भारत में ये सब हो रहा है तो भारत से थोड़ी ही दूर पर एक और घटना घटी जिसे हम लोग कहते हैं अरब के रेगिस्तान या हेरात के आसपास हुई। यहाँ पर 632 एडी में प्रॉफेट साहब की डेथ हुई, पैगंबर साहब की डेथ हुई, और पैगंबर साहब ने जिन सिद्धांतों को बनाया था उन सिद्धांतों को मानने वाले लोगों को ईमान से मुसलमान कहा गया, क्योंकि कहते हैं मुसम्मल है ईमान जिसका उसे मुसलमान कहते हैं। ठीक, मुसम्मल मतलब बहुत पक्का ईमान जिसका हो उसको कहा जाता है। लेकिन इस समय तक इस्लाम बहुत उत्कर्ष पर नहीं था, केवल इस्लाम की विचारधारा निकल रही थी, जैसे कभी बुद्ध की विचारधारा भी धीरे धीरे निकल रही थी, ऐसे ही निकल रही थी। यहाँ पर पैगंबर के बाद एक सेंटर बन गया, जैसे लोग कहते थे कि यह इस्लाम के उत्कर्ष का केंद्र है, द सेंटर ऑफ राइज ऑफ इस्लाम है, और वहाँ पर लोग पूजा पाठ करने के लिए, अरदास करने के लिए या नमाज अदा करने के लिए जाने लगे। जब किसी धर्म का कोई केंद्र बनता है, जैसे हमारे ही इस ग्राउंड में अगर बोरिंग करते समय कुछ निकल आए अंदर से, मूर्ति वूर्ति निकल आए, तो फिर वो कुछ ही दिनों में सेंटर ऑफ वो हो जाएगा, स्क्रेड हो जाएगा, कि वहाँ पर लोग पूजा वूजा करने के लिए आने लगेंगे, कोई फूल माला चढ़ाएगा तो भीड़ होने लगेगी। जब किसी जगह पर भीड़ होती है तो उस जगह से व्यवसाय वगैरह बहुत सारी चीज़ें जुड़ जाती हैं, जैसे कोई फूल माला बेचेगा, कोई प्रसाद बेचेगा, ये सब होने लगता है, वहाँ भी ऐसा होगा। और ईश्वर एक ऐसी शक्ति होती है जिसमें ये कहा जाता है कि वह बहुत परम शक्तिशाली है, ऑल माइटी है, और उस ऑल माइटी सारी समस्याओं को सॉल्व करने का वो रखता है, पावर रखता है, ऐसा कहा जाता है। तो जितने भी लोग उस एरिया में परेशान थे, अरब में परेशान लोगों की संख्या ज़्यादा थी, अरब में उत्पादन नहीं होता है, तो वहाँ पर बिकॉज ऑफ देयर इज नो अवेलेबिलिटी ऑफ एलुवियल सॉइल, जलोढ़ मृदा नहीं है, तो उत्पादन भी नहीं है, हरियाली भी नहीं है, पानी की बहुत बड़ी दिक्कत होती है वहाँ पर। इसलिए आपने देखा होगा कि इस्लाम में पानी की बड़ी इज्जत होती है, पानी की और हरियाली की। जब आप मुग़ल पीरियड पढ़ेंगे तो मुग़लों ने चार बाग शैली को जन्म दिया था, किसी भी बड़ी बिल्डिंग के बाहर वो किसी भी गार्डन को चार हिस्सों में बांट देते थे, और चार हिस्सों में बांटने के लिए बहते हुए पानी की नालियाँ बनाते थे। तो बहता हुआ पानी और हरियाली ये उनके लिए स्वर्ग होता है ना, ये उनके लिए स्वर्ग होता है। आप कभी दिल्ली का वो देखेंगे जा कर के लाल किला, तो आपको समझ में आएगा वहाँ लिखा हुआ है, या बर्राए दस्त जमी अस्तो जमी अस्तो जमी अस्तो। तो वो कहते हैं कि अगर पृथ्वी पर कहीं स्वर्ग है तो यही है, यही है, क्योंकि वहाँ पानी के लिए उन्होंने प्रॉपर प्रबंध किए थे वहाँ पर। तो ऐसा माना जाता है कि उनके लिए जो चीज़ से आदमी कभी देखा नहीं है उसके लिए बहुत कीमती होती है वो। अरब के लोगों में ये था कि ईश्वर बहुत शक्तिशाली, हमको खाना भी खिलाएगा, सब कुछ करेगा, और ऐसा ही करने के लिए अरब के उस जगह पर बहुत सारे लोग जो बेघर टाइप के होते थे वो वहाँ इकट्ठे होने लगे उस हेरात की पहाड़ी पर। जब हेरात की पहाड़ी पर वो इकट्ठा होने लगे तो वहाँ पर दान करने वाले लोग उनको खाना भी खिला के जाते थे, बोरों में अनाज भर के लाते थे कि भाई यहाँ पर भंडारा होगा, सब लोग खाएंगे, ये होगा, धर्म के कार्य वहाँ पर होने लगे। जो बेघर लोग थे वो रात्रि के समय अकेले हो जाते थे, सब लोग चले जाते थे। अब कोई व्यक्ति जिसके पास पहनने के लिए भी ठीक से कपड़े नहीं हों, रात्रि में कैसे गुजारेगा रात? ऊपर से आप ज्योग्राफी पढ़े अच्छे से तो आपको पता होगा कि डेजर्ट एरियस जो रीजन है, डेजर्ट एरियस, वहाँ पर रात को रातें कितनी ठंडी होती हैं और दिन बहुत गर्म होते हैं वहाँ पर, तो ठंडी रातें उनके गुजारना बहुत मुश्किल होती थी, इसलिए वो रात को आग जला लेते थे, उसके चारों तरफ बैठे रहते थे। अब टाइम पास करने के लिए जैसे आप भी अंताक्षरी खेलते हैं, उन्होंने भी कुछ ना कुछ गाना पीना शुरू कर दिया, गाते थे। वहीं से एक शब्द निकला जिसको हम लोग कहते हैं महबूब। महबूब शब्द सुना होगा, ऐसा तो हो नहीं सकता है सिनेमा ना देखा हो तुमने, तो महबूब शब्द भी सुना होगा। क्या मतलब होता है महबूब का? प्रिय, अ पर्सन इन इंग्लिश वी कैन कॉल इट बिलव्ड, हमारा प्रेमी या प्रिय है उसको हम लोग महबूब कहेंगे। और ये शब्द जब आया तो इसका जो देन था ये ईश्वर के लिए यूज़ किया गया, जो हमारा सबसे प्रिय था तो वो महबूब ईश्वर होता था। तो उन्होंने कहा था कि महबूब के लिए हम लोग गाएंगे, तो वो गाते थे, इसलिए जब भी वो लोग गाते थे हाथ ऊपर कर लेते थे। अब इनका ग्रुप धीरे धीरे बड़ा होता गया ऐसे लोगों का, कभी 100 हुए, कभी 200 हुए, अगले 50-60 सालों में, 70 सालों में वहाँ हजारों की संख्या में ग्रुप हो गया वो। अब इस ग्रुप के पास उसमें क्या किया कि ग्रुप एक जगह से दूसरी जगह जाता तो झुंड बना के जाते थे ये लोग, वहाँ पर जो दान करने के लिए आते थे अनाज वनाज वो अपने बोरे वहीं छोड़ जाते थे।
सर्दियों में जब इनको बहुत ठंड लगती थी या बहुत सर्द रातों में ठंड लगती थी तो ये उन कपास के बने हुए बोरों को शरीर से लपेट लेते थे। बोरों को फारसी भाषा में कहते हैं सूफ, इसीलिए इस पूरे ग्रुप का नाम पड़ा सूफी। तो ये क्या कहलाए? सूफी। अब सूफी इधर से उधर जा रहे हैं, इधर से उधर जा रहे हैं, उन्होंने दिया क्या? सूफी तो धार्मिक लोग हैं, उनका ज़्यादा राजनीति से लेना देना नहीं है, धर्म से लेना देना है। लेकिन तभी 10वीं और 11वीं शताब्दी में उनको खबरें मिली कि हमारे कुछ इस्लाम के राजा भारतीय क्षेत्रों में विजय पा लिए। और भारतीय क्षेत्रों में विजय पाने का मतलब है कि संसाधन मिल गए, खाने पीने की चीज़ें ज़्यादा मिलेंगी, जीवन यापन बहुत अच्छा होगा। तो उन सारे कबीलों ने जो वहाँ सूफ के रूप में रह रहे थे, सूफी कहते थे, वो धीरे धीरे भारत की तरफ मूव करना शुरू कर गए। क्यों? क्योंकि सब लोग चाहते हैं कि वहाँ हमारे लिए अच्छी व्यवस्थाएं होगी, हमारे लोग हैं, उन्होंने शासन कर लिया है, तो वो भारत की तरफ मूव कर गए। लेकिन याद रखिएगा, ये सूफी सारे के सारे राजनीतिक नहीं हैं, धार्मिक हैं, और धर्म में भी कट्टर इस्लामिक नहीं होते हैं ये लोग। उन्होंने ये कहा था कि धर्म वो है जो इंसान को इंसान से जोड़ता है। ठीक, सूफियों ने इस दुनिया को बहुत सारी चीज़ें दी हैं और वो पूरी दुनिया में आज भी पॉपुलर हैं। जैसे सूफियों ने सबसे पहले अपने ईश्वर के प्रति प्रेम प्रकट करने के लिए कुछ स्टेजेस बनाई थी। कौन कौन सी स्टेज थी योगेश, बताओ? नहीं आ रही। पहली थी उंस, उसके बाद आती है दिलकशी, उसके बाद आती है अकीदत, फिर इबादत, फिर मोहब्बत, फिर जुनून, और उसके बाद मौत। तो मौत का मतलब यहाँ पर मरना नहीं है, यहाँ मौत का मतलब है टास्क कंप्लीट। जिसे मोक्ष मिल गया हो, ईश्वर मिल गया हो, वो मोक्ष है, मौत है, कहा उसको मौत जाता है। लेकिन मौत नेगेटिव दिख रहा है अपन को, इस्लाम में मौत नेगेटिव नहीं है, एक सफल मृत्यु को कहा जाता है सूफियों में मौत। उन्होंने कहा कि हमको इतनी अवस्थाओं से गुजरना पड़ेगा तब जाकर के हमको महबूब मिलेगा, महबूब का मतलब ईश्वर मिलेगा हमको। तो ये उसके लिए उन्होंने शब्द यूज़ किए। और उन्होंने कहा कि जो भी पाक चीज़ें हैं जिन्हें हमें फॉलो करना है उनको हम लोग बा कहेंगे, और जिन्हें हमका विरोध करना है उन्हें हम बे कहेंगे। तो जब हम किसी चीज़ को एक्सक्लूडिंग कर देते हैं तो वो बे हो जाती है, और जब इंक्लूडिंग कर देते हैं तो वो बा हो जाती है। जैसे हाँ, बा इज्जत, यानी कि इज्जत सहित, और बे इज्जत, ये तो आप समझते ही है। जैसे बे शर्म, यानी उसको शर्म नहीं है, बा शर्म, शर्म है उसको। तो उन्होंने ऐसे शब्द दिए दुनिया को, और इसका भारत में प्रवेश हुआ। भारत के लोग इनको क्यों स्वीकार करेंगे? भारत में तो पहले से व्यवस्थाएं चल रही हैं। अब आप उस विचारधारा को समझिएगा कि वो कैसे बदलेगी। सूफी भारत में प्रवेश किए, और भारत उस समय दक्षिण में दो हिस्सों में बटा हुआ है, एक अलवार और एक नैनार। नैनार किसको फॉलो करते हैं? शिव को। और अलवार किसको फॉलो करते हैं? विष्णु को फॉलो करते हैं। ये लोग अलग आपस में लड़ रहे हैं वहाँ पर, क्योंकि संप्रदायों के बीच में लड़ाइयाँ होती हैं। उस समय 4th century के आसपास एक घटना घटती है साउथ में, और मीनाक्षी अम्मा का विवाह होता है। मीनाक्षी अम्मा देवी हैं, पार्वती का अवतार है, उनका विवाह किया जाता है। चूँकि मीनाक्षी अम्मा पार्वती का अवतार है तो उनका विवाह शिव से ही होगा, तो शिव से उनका विवाह होता है, विष्णु जी कराते हैं उस विवाह को, और विवाह पूर्ण होता है। इस प्रकार से दक्षिण में अलवारी और नैनारों के बीच में पैचअप हो जाता है और वो एक हो जाते हैं। तो दक्षिण में जो धार्मिक विचारधारा बटी हुई थी वो धीरे धीरे एक हो गई मीनाक्षी नाटकम के, इसके बाद ही एक नया वो निकला डांस, इसको हम लोग सेमी क्लासिकल कहते हैं, मीनाक्षी नाटकम। अब यहाँ पे जो सूफी आए उन्होंने धीरे धीरे करके भारत का सूफीकरण करना शुरू कर दिया। एक तो वो बहुत सॉफ्ट थे, और उन्होंने इस्लाम के कट्टर राजाओं की तरह काम नहीं किया। जैसे सबसे पहले अजमेर मिला गौरी को, अजमेरी तो मिला था चौहान को हरा करके, तो अब गौरी तो अपना राजनीतिक काम करेगा। उसके साथ जो सूफी आए, कौन आए थे सूफी सबसे पहले भारत में? मोहम्मद बिन कासिम, हाँ मोहम्मद बिन चिश्ती, मोहम्मद बिन चिश्ती नाम उनका, मुइनुद्दीन चिश्ती है ना, शेख मुइनुद्दीन चिश्ती सबसे पहले आए। तो जो वहाँ से जो ग्रुप निकले थे सूफियों के, वो कई हिस्सों में बट गए थे। किसी ग्रुप के लीडर मुइनुद्दीन चिश्ती हैं तो उसको चिश्ती ग्रुप कहने लगे, किसी के ग्रुप के लीडर है फिरदौसी हैं तो उसको फिरदौसी ग्रुप कहने लगे, किसी के सत्तारी लीडर थे, किसी के नक्शबंदी लीडर थे, तो ऐसे अलग अलग ग्रुप में बट गए। भारत में सबसे पहले सूफी सिलसिले में चिश्ती आया, और चिश्ती की स्थापना हेरात में हुई थी, जो अब्दुल चिश्ती ने करी थी।
लेकिन इंडिया में इसको लेके आए मोइनुद्दीन चिश्ती। चिश्ती आए, उन्होंने अपना सेंटर बनाया अजमेर, अजमेर में बस गए। आज भी उनकी दरगाह वहीं बनी हुई है। जब वो यहाँ बस गए तो लोग उनसे मिलने जाते थे, वो सिखाते थे कि धर्म कभी लोगों को मिलने से नहीं रोकता है, धर्म सॉफ्ट होता है। उन्होंने भारत में ऐसी परंपराएं शुरू कर दी कि भारतीय लोग उनके मुरीद होने लगे, क्योंकि एक तो उन्होंने कहा हम जातिवाद नहीं करेंगे, और भारत में जातिवाद व्यापक पैमाने पर हो रही थी, तो भारत में जाति से प्रभावित लोग उनके साथ जुड़ने लगे। भारत में निम्न जातियों का बड़ा शोषण होता था, तो निम्न जाति के लोग सूफी में जाने लगे, तो सूफी की तरफ उनका लगाव हो गया। सूफियों ने प्रचार घूम घूम करके किया, कभी एक जगह पर नहीं बैठते हैं सूफी, प्रचार को घूम घूम करके किया। और सूफी गाने की परंपरा में विश्वास रखते हैं, सूफी बजाने की परंपरा में विश्वास रखते हैं, सूफी मंडली करने की परंपरा में विश्वास रखते हैं, लोकल भाषा का यूज़ करते हैं। तो देखते देखते अगले 150 सालों में सूफी अजमेर, दिल्ली, आगरा, उत्तर भारत के यूपी से लेकर बिहार के आसपास के क्षेत्रों में फैल गए। अब इनका टारगेट है कि एमपी तक आ गए, बुरहानपुर तक आ गए, बुरहानुद्दीन यहाँ पर आ गए। अब इनका था कि हम दक्षिण भारत की ओर प्रस्थान करेंगे। दक्षिण भारत, मैंने बताया कि संस्कृति के मामले में कितना कट्टर है, दक्षिण भारत ने सूफियों के प्रभाव को रोकने के लिए यहाँ से एक अलवारी संत उत्तर भारत की ओर गए और उन्होंने सूफियों का विरोध करना शुरू कर दिया कि सूफियों को हम लोग नहीं बनाएंगे, हम अपने हिंदू धर्म में भी कट्टर परंपरा, ऐसी सॉफ्ट परंपरा शुरू करेंगे। तो जो सूफी आंदोलन है, उस सूफी आंदोलन को काउंटर करने के लिए, उससे लड़ने के लिए दक्षिण भारत से निकला भक्ति आंदोलन। और उस भक्ति आंदोलन को किसने निकाला? तुकाराम ने। तुकाराम एक अलवारी संत थे महाराष्ट्र के, वो उन्होंने कहा कि हम भक्ति आंदोलन चलाएंगे, सूफी परंपरा को नहीं मानेंगे। तो सूफियों में और भक्तियों में लड़ाई हो गई, लड़ाई मतलब वैचारिक लड़ाई, कोई युद्ध नहीं हुआ, दोनों ही सॉफ्ट हैं। सूफी कहते थे कि हम जातिवाद को नहीं मानते, लेकिन आपको पता है हिंदू धर्म में जातिवाद था, लेकिन भक्ति आंदोलन आया तो उन्होंने भी सूफियों के कारण से ये कहा कि हम भी जातिवाद को नहीं मानेंगे। तो जब सूफियों के, भक्ति आंदोलन के संत थे रामानंद, जब वे उत्तर भारत गए और उन्होंने अपने शिष्यों को बनाया, तो किसी की जाति की लेकर के बात नहीं की। उनके शिष्य कबीरदास भी थे, रविदास भी थे, सेना भी थे, है ना, भिक्कुणी भी थे। उनके शिष्यों में तो एक बड़ा तेज आंदोलन निकला, और वो तेज आंदोलन था आदर्शवादी आंदोलन और जातिवाद को नहीं मानेंगे। सूफी लोग संगीत बजाते थे, भक्ति आंदोलन में पहली बार संगीत आया, कबीरदास जी तानपुरा बजाने लगे, मीराबाई बजाती थी, है ना, सूरदास जी बजाते थे और भिखारी महाराज बजाते थे, तो ये सब के सब बजाते थे, इन्होंने भी उन्हीं से सीखा ये सब। तो संगीत का प्रवेश भारतीय परंपरा में कहाँ से हुआ? संगीत का, सूफियों की देन है। जाति का विरोध कहाँ से आया? सूफियों की देन है। सूफी लोग घूम घूम करके प्रचार करते थे, किसी जगह पर नहीं रुकते थे। आपने देखा होगा भक्ति आंदोलन में कितने संत यहाँ से वहाँ घूमते थे, चाहे आप कबीर को ले लो, चाहे आप सूरदास को ले लो, और मीराबाई तो गुजरात से लेकर के राजस्थान से लेकर के उत्तर प्रदेश के किन किन क्षेत्रों में घूमे, किसी को भिखारी दास को ले लो, वो भी घूमते थे। तो भारत में भी ये परंपरा दूर हो गई। ऐसा कहते हैं कि जिस रास्ते पर सूफी चल रहे थे उस पर भारतीय भी चले, ताकि हम सूफियों के भारत में बढ़ते हुए प्रभाव को रोक दें। और ये हुआ भी, हम बुरहानपुर से आगे बढ़ने ही नहीं दिए सूफियों को, इसलिए दक्षिण भारत में आपको सूफी नहीं मिलेंगे। सूफियों की मैक्सिमम लिमिट डेक्कन तक है, बुरहानपुर तक है, एमपी तक है, इसके दक्षिण में सूफी नहीं है। उत्तर में सूफी काफ़ी है, पंजाब में बहुत सारे सूफी हैं, पंजाब के रास्ते तो वो आए ही थे। तो आप देखेंगे आज पंजाब में बहुत सारे सूफी विचारधारा के लोग मिलेंगे, संत मिलेंगे, और उससे धीरे धीरे करके सूफी गायन आया, सूफी गायन परंपरा फिर लिखी जाने लगी, लोग गाने भी लगे। इसलिए हमारे यहाँ बहुत सारे ऐसी चीज़ें हैं जो हमने सूफियों से सीखी हैं, आज भी यूज़ करते हैं, लेकिन हम फिर भी अपने आप को कट्टर मान के चलते हैं। तो कट्टरता कभी भी अच्छी नहीं होती, सॉफ्टनेस अच्छी होती है ना। जैसे आप लोग बॉलीवुड में बहुत सारे गाने सुनते होंगे, कौन सबसे ज़्यादा गाने सुनता है? अरे सब सुनते हैं, बताओ जरा, बहुत कम सुनते हैं, फिर भी तो सब एक हाथ तो सुनता होगा ना कोई ना कोई। तुम नहीं सुनते? सुनते हो तो गानों का अर्थ समझ में आता है? आता है। एक गाना था, मोहब्बत अब तिजारत बन गई है, नहीं सुना? अच्छा तो नया पूछ लेते हैं, रस के कमर सुना है? क्या अर्थ होता है इसका? क्या ये गाना सबने सुना होगा, ये नहीं कह सकते पुराना है ना, ये गाना तो नया है, अर्थ बताओ, क्या सोच के सुना तुमने? जैसे गाना चल रहा है तो तुम्हारे मन में क्या आ रहा है? अच्छा नहीं तो ये गाना तुमने सुना तो होगा ना? ना अच्छा ये बात ठीक है,
कि मेरे सामने वाली खिड़की में एक चांद का टुकड़ा रहता है, उसमें बीच में सरगम आती है, उसका अर्थ पता है? उसमें नहीं आती तारे रे 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 करके आती है। हाँ तो मैं वही कह रहा हूँ, ये गाना भी सबने सुना होगा। हाँ, कमर का मतलब होता है यहाँ चंद्रमा, और रश्क माने होता है जो जलने वाला होता है, जिससे लोग जलते हैं। तो अपने महबूब को वो नोट करता है कि रश्क ए कमर, अपने महबूब से कहता है कि तुम रश्क ए कमर हो। रश्क यानी चांद जिससे जलता है, रश्क ए कमर। ए का मतलब यहाँ होता है ऑफ इंग्लिश में। ऐसे ही एक गुलामी पिक्चर का गाना था जिसमें लोग कहते थे, कौन सा गाना था, बहारे हिजरा बेचारा दिल है, जिहाले मिस्किन मुकन वरंजिस, सुना है? नहीं सुने? जिहाले मिस्किन मुकन वरंजिस, बहारे हिजरा बेचारा दिल है। मैंने एक व्यक्ति से पूछा, उसने मुझे इतना कॉन्फिडेंटली बताया, इसका मतलब है कि भवरा रस पीने आया है। मैंने कहा भाई ऐसा कुछ नहीं है, ये अमीर खुसरो की पंक्तियां हैं, है ना, अमीर खुसरो की पंक्तियां है। तो अमीर खुसरो कहता है उसमें कि जिहाले मिस्किन मुकुन बरंजिस, उसका मतलब होता है कि ये जो हृदय है, दिल है, ये पहले ही जुदाई से बहुत मारा हुआ है, इसको और परेशान मत करो। तो अमीर खुसरो से लिया गया लाइन है। ऐसे सूफियों की देन है सारे, हम बहुत सारे शब्द सूफियों के यूज़ करते हैं। सूफियों को काउंटर करने की जिम्मेदारी भक्ति आंदोलन ने उठाई थी। भक्ति आंदोलन में दो परंपराएं थी, एक थी ईश्वर को मानने वाली परंपरा, और कुछ भक्ति आंदोलन में ईश्वर को नहीं भी मानते थे, जैसे कि कबीरदास। वो ईश्वर को कैसा मानते थे, निराकार, कोई आकार नहीं देते थे ईश्वर को, और ज्ञान मार्गी शाखा में चलते थे कबीरदास जी। तो कबीरदास जी का अलग मानना था, लेकिन थे सब भक्ति आंदोलन परंपरा के ही लोग। भक्ति परंपरा में कुछ लोगों ने बदलाव भी किया था, जैसे आप जानते होंगे मलुकदास का नाम सुना है? नहीं सुना मलुकदास का नाम? अरे भक्ति परंपरा में तो सुना ही होगा। मलुकदास के बारे में ये कहा जाता है कि वो आस्तिक नहीं थे, नास्तिक थे, और उनका दोस्त, दोनों ही हालांकि भीखी मांगते थे, संत थे, संत मतलब ऐसे ही मांग के खाना खाते हैं, और उनका नाम था भिखारी दास, नाम ही भिखारी दास था। तो वो भिखारी दास है, वो ईश्वर को मानते थे, और वो नहीं मानते थे मलुकदास। तो भिखारी दास ने ये कहा कि देखो भाई मलुकदास, ईश्वर में विश्वास करना चाहिए, ईश्वर दिखता नहीं है लेकिन मदद हमारी बहुत करता है। तो मलुकदास ने कहा हमारी तो कभी मदद नहीं करी, तो मदद कैसे करेगा वो, तो मुकुट मुकुट लगा के तो आएगा नहीं कि लो तुम्हारी मदद करने के लिए आए, ऐसे तो आएगा नहीं, किसी ना किसी बहाने से करेगा। तो एक छोटा सा वाक्य आया कि दोनों के बीच में एक शर्त लगा दी गई, उन्होंने आपस में शर्त लगा दी, दूसरा कौन लगाएगा। उन्होंने कहा था कि अगर मुझे ईश्वर ने मदद करी तो मैं नास्तिक से आस्तिक हो जाऊँ। ये किसने कहा? मलुकदास ने कहा। दोनों कुटिया में रहते थे, शर्त ये लगी थी कि शाम तक हमको खाना कौन खिलाएगा, आज हम खाना नहीं बनाएंगे, अगर ईश्वर है तो हमको खाना खिला दे। और ये बहुत प्रसिद्ध कहानी है कि मलुकदास जी अपनी कुटिया में सो रहे थे, लेकिन भूखा आदमी कैसे सोएगा, नींद तो आएगी नहीं भूखे आदमी, तो मन में ख्याल भी उल्टे सीधे आ रहे थे कि कहीं किसी ने आके खाना खिला दिया तो शर्त हार जाएंगे। तो कुटिया को अपना ताला वाला लगा करके बाहर चले गए, पुलिया पर बैठ गए, कोई टाइम पास करना था शाम तक। पुलिया के किनारे मंदिर है, तो मंदिर में लोग प्रसाद प्रसाद चढ़ाते हैं, सबको बांटते हैं खीर पूड़ी वगैरह। तो उनको डाउट हुआ कि यार क्यों खीर पूड़ी ना खिला दे, कहीं प्रसाद पेट भर जाएगा फिर हमारा। तो वहाँ से भी चले गए, और दिन के 2-3 बजे तक एक बियाबान जंगल में चले गए, जहाँ कुछ लोग लकड़ियाँ काट रहे थे। लकड़ियाँ काटा, उन्होंने अपना टिफिन खोला, सब लोगों ने एक साथ खाते हैं, भारतीय परंपरा है कि जो नहीं लाएगा उसको भी खिला देते हैं। तो जैसे उन्होंने टिफिन खोला तो मलुकदास ने कहा ये तो खाना खिला देंगे अपन को, तो वो फिर पेड़ पर चढ़ गए। अब 2-3 घंटे की बात है, छुपे रहते हैं अपन, चुपचाप, खाना मिलेगा नहीं, अपन सारा जीत जाएंगे। तो भिखारी दास भी नास्तिक हो जाएंगे, हम तो नास्तिक हैं ही। पेड़ के नीचे पेड़ पर चढ़े रहे थे, जैसे ही उन्होंने खाना पीना खोला तो इसके बाद डाकू आए, सॉरी बारात आई। बारात पेड़ के नीचे विश्राम करती है, और बारात पहले बहुत दूर से आती थी तो खाना पीना लेके चलती थी, और बारात में सिक्योरिटी रखनी पड़ती है क्योंकि ज्वेलरी वगैरह होती है, तो डाकू लूट ले जाते थे। तो बारात रुकी, बारात ने अपना खाना पीना खोला, बारात ने खाना पीना खोला ही था कितने में डाकू आ गए। डाकू जैसे ही आए तो बारात भागी पहले अपनी ज्वेलरी वगैरह लेकर के, अपने सामान को लेकर के, खाना पीना वहीं छोड़ गई। अब डाकू आया, डाकू ने खाना देखा, डाकू बहुत होशियार होता है, तभी तो सरदार होता है उसका गैंग का, डाकू का सरदार। उसने कहा ये खाना कोई किसी की चाल भी हो सकती है, हो सकता है किसी ने इसमें जहर मिला के रख दिया हो हमको खिलाने के लिए। बोले काम करो पहले अपन लोग निकालेंगे, किसी को पकड़ के लाओ उसको खिलाएंगे। अब उन्हें जंगल में देखा तो कोई मिला नहीं, उन्होंने कहा ऊपर एक बैठा है, उतारो से।
उसको बुलाया कि भाई इसको खाओ, वो दूसरे कारण से मना कर रहा कि मैं नहीं खा सकता। उन्होंने कहा यही मुखबिर है। उसने कहा बेटा खा ले चुपचाप। उसने मना किया। अब ज़्यादा डांकू में सहन शक्ति होती नहीं है। फिर उसने उसके साथ सांस्कृतिक कार्यक्रम किया, मार मार के खिलाया उसे, और कितना खिलाया वो समझ लो। अब वो घर गया, घर गया तो भिखारी दास आए शाम को के खाना मिला, तो उन्होंने कहा अजगर करे न चाकरी, पंछी करे न काम, कहे गए दास मलूका सबके दाता राम। उन्होंने कि इससे ज़्यादा अच्छा खाना कौन खिलाएगा। मना करने पर भी खिलाया है। मतलब मना करने पर भी खिलाया है। तो उसके बाद वो क्या बन गए, वो भी आस्तिक हो गए। तो सूफियों ने यहाँ पर ऐसी परंपराएं भक्ति आंदोलन को सिखाई। और एक और अच्छा कंपैरिजन मैं अक्सर पहले भी किया है, जैसे वो आप लोगों को अच्छे से समझ में आ जाएगा। कंपैरिजन सूफियों का और भक्तियों का, भक्ति का, भक्ति आंदोलन का कंपैरिजन है। एक 1970s के दौर में हमारे यहाँ एक बहुत फेमस पेय पदार्थ लॉन्च हुआ था, जिसको हम लोग कहते थे कोका कोला। कोका कोला लॉन्च हुआ, दिखने में कैसा आपको पता ही है, ब्लैक कलर का था, मतलब ब्राउनिश कलर का जैसा भी था वो, आप समझ गए कैसा दिखता है। उसने पूरा मार्केट पकड़ लिया। ये मान लीजिए कि कोका कोला सूफी है, तो सूफियों ने आकर के उत्तर भारत पूरा पकड़ लिया है, प्रभाव छोड़ दिया है। उनसे लड़ने के लिए फिर साउथ से कौन गए थे, भक्ति। तो साउथ से फिर निकली पेप्सी, ठीक वैसी दिखती है। तो उसने उसके मार्केट को अंदर जाने से रोक दिया, यानी काउंटर करने के लिए, कोका कोला का काउंटर करने के लिए ठीक वैसी व्यवस्था निकाली उन्होंने। तो उसको ऐसा लगा कोका कोला को कि इन्होंने हमारा मार्केट आधा पकड़ लिया है। तो कोका कोला ने फिर अपना नया लॉन्च किया और उसने एक नया पदार्थ निकाला, जिसका नाम उसने रखा क्या, फेंटा। दिखने में कैसा है, ऑरेंज। पेप्सी पीछे रहेगा क्या, उसने एक और लॉन्च कर दिया ठीक वैसा ही दिखता है, क्या नाम है, मिरंडा, ठीक वैसा ही। तो फिर से काउंटर कर दिया उसने। अब कोको कोला ने नहीं माना, तो कोको कोला ने फिर एक नया निकाल दिया, स्प्राइट। फिर उसने निकाला सेवन अप, दिखने में एक जैसा है कि नहीं। फिर कोको कोला वालों को मज़ा नहीं आया, उन्होंने कहा ये तो बहुत हो गया। उन्होंने फिर आम का रस निकाल दिया माजा। फिर इन्होंने निकाल दिया फ्रूटी, नहीं फ्रूटी अलग ब्रांड है, इन्होंने निकाला स्लाइस, इन्होंने निकाला स्लाइस। फिर काउंटर हो गया, कोको कोला फिर गुस्सा हो गया, उन्होंने कहा हम नहीं, हम कुछ नहीं बनाएंगे। उन्होंने फिर पानी की बोतल बना दी किल्ले। फिर इन्होंने एक्वाफिना बनाई, तुम चलो तुम डाल डाल, हम पात पात। तो कोको कोला वाले यार के ये तो अपने लिक्विड के पीछे ही पड़े। तो कोको कोला वाले ने फिर चिप्स छापना शुरू कर दिया, अंकल चिप्स। इन्होंने बनाया लेज, उन्होंने बनाया लेज, पूरा काउंटर किया। समझ गए लड़ाई कैसी चल रही थी। तो ऐसी ही लड़ाई चल रही थी, जैसे कि सूफियों के प्रभाव को कम करने के लिए भक्तियों ने उन्हीं के विचारों को काउंटर किया। वो कुछ बजाते थे ये भी बजाने लगे, वो भी घूम घूम के प्रचार करते थे ये भी करने लगे। उन्होंने लोकल भाषा का यूज़ किया, सूफी कभी भी अपनी मेन भाषा का यूज़ नहीं करते थे प्रचार करने के लिए, लोकल भाषा का यूज़ करते थे। इन्होंने भी लोकल भाषा का यूज़ किया, और उसी लोकल भाषा की देन है रामचरितमानस। तुलसीदास ने रामचरितमानस अवधि भाषा में इसीलिए लिखा, लोकल भाषा का उस समय भक्ति आंदोलन में प्रभाव चल रहा था लोकल भाषा का, और इसीलिए रामचरितमानस अवधि में लिखा गया। और रामचरितमानस की पॉपुलैरिटी का सबसे बड़ा कारण यही है कि उसका अवधि में होना, वरना पहले वो उच्च कुल की भाषा थी, संस्कृत कितने लोग पढ़ पाते थे, तो उन्हीं तक गई। फिर हमने उसको लिख दिया अवधि में, तो उसकी पॉपुलैरिटी दूर तक फैल गई। सूफी आने वाले पहले व्यक्ति थे जिनका नाम था मोइनुद्दीन चिश्ती, और मोइनुद्दीन चिश्ती ने यहाँ पर जिन लोगों को शिष्य बनाया उनमें एक थे बाबा फरीद। बाबा फरीद को टाइटल मिला था गज ए शकर, उनको गज ए शकर भी कहा जाता था। और मोइनुद्दीन चिश्ती को कहते थे गरीब ए नवाज, उनको गरीब ए नवाज कहते थे। इसलिए आप आज भी उनके दरगाह पर जाएंगे तो वहाँ ख्वाजा गरीब नवाज के नाम से अरदास होती है वहाँ पर, और सभी लोग जाते हैं उसमें, ऐसा नहीं है। फिर उनके शिष्य थे एक बदुद्दीन जकारिया, वे उनके शिष्य थे। एक उनके शिष्य थे जिनको थे बुरहानुद्दीन। इन्हीं शिष्यों में से बाबा फरीद हैं, उनको सबसे ज़्यादा उनकी शिक्षाएं ग्रहण की थी गुरु नानक ने, बाबा फरीद की। इसलिए सिख धर्म में बाबा फरीद की शिक्षाएं स्पष्ट रूप से दिखाई देती हैं। टीचिंग्स एंड एटिकेट्स डेवलप्ड बाय द बाबा फरीद अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ सूफिज्म कैन बी इजीली सीन इन द होली बुक ऑफ सिखिज्म कॉल्ड गुरु ग्रंथ साहिब। गुरु ग्रंथ साहिब में स्पष्ट रूप से दिखाई देती है उनकी सारी शिक्षाएं। इसके बाद दूसरी परंपरा के शिष्य बने निजामुद्दीन औलिया साहब। औलिया मतलब
उसको कहा जाता है जिसने वास्तविक ज्ञान प्राप्त कर लिया हो। तो निज़ाम थे, अब देखिए मुरीदुद्दीन चिश्ती तो आगरा में बस गए, वो अजमेर में बस गए, निज़ामुद्दीन वहाँ से और आगे आए और दिल्ली में बस गए। तो दिल्ली किस सूफी के प्रभाव में है? निज़ामुद्दीन औलिया के प्रभाव में, और इनको कहते थे महबूब ए इलाही, इनको महबूब ए इलाही कहते थे। और निज़ामुद्दीन के बाद उनके शिष्य थे अमीर खुसरो, अमीर खुसरो, और एक थे सलीम चिश्ती, दो उनके शिष्य थे। सलीम चिश्ती आपको पता है अकबर के समय पर थे, सलीम चिश्ती जो आगरा में बस गए थे, हाँ जहांगीर के नाम, हाँ उन्हीं के नाम पर रखा गया। और इसके बाद जो अमीर खुसरो थे उन्होंने इतनी सारी रुबाइयाँ लिखी हैं, इतनी सारी कविताएँ लिखी हैं, उन्हीं की कविता मैंने आपको सुनाई थी, जिहाले मिस्किन मुकुंद बरंजिस बहार हिजरा बेचारा दिल है, वो अमीर खुसरो की एक्चुअल में। बाद में तो ये काफिर साहब ने उसको गुलजार साहब ने लिख दिया था, तोड़ मरोड़ के लिख दिया था, उनका प्रभाव आ गया। अब सूफीज़म में विशेषता क्या थी कि घर छोड़ करके फ़कीर हो जाना। कुछ सूफी में तो जैसे एक सूफी संत थे जिनका नाम था मूसा, आप जानते होंगे मूसा का नाम सुना हो शायद, उनकी विशेषता ये थी कि वो स्त्रियों के कपड़े पहन के रहते थे, है ना। जैसे हमारे हिंदुओं में एक संप्रदाय है उसको कहते हैं सखी संप्रदाय, सखी संप्रदाय समझते हैं, कभी मथुरा गए? गए हाँ नहीं मतलब लौट आए, वापस लौट आए थे हाँ मथुरा में एक मंदिर है इस्कन के पास में ही बना हुआ है, तो उसको सखी संप्रदाय कहते हैं। उन संप्रदाय का मानना है, आप उनसे बात करेंगे तो वो ये कहते हैं कि इस पृथ्वी पर केवल और केवल इस पूरे ब्रह्मांड में एक ही पुरुष हैं, वो हैं हमारे साक्षात भगवत, यानी कृष्ण ही एकमात्र पुरुष हैं। हम सब स्त्रियाँ हैं, उनकी तुलना में हम सब स्त्रियाँ हैं, इसलिए सब स्त्रियों के कपड़ों में रहते हैं। और छोटा मोटा नहीं है वो, बहुत बड़ा है सखी संप्रदाय, जिसमें हजारों लोग हैं, वहाँ पुरुष लोग रहते हैं, रोज श्रृंगार करते हैं, जैसा स्त्रियाँ श्रृंगार करती हैं, लहंगा चोली पहनते हैं, लिपस्टिक लगाते हैं, बिंदी लगाते हैं, सब करते हैं। उनका डेडिकेशन धर्म के प्रति यही है कि हमारा स्त्री हो जाना, स्त्री धर्म को स्वीकार कर लेना ही हमारे ईश्वर की कृष्ण की भक्ति है। और ऐसा नहीं कि आम लोग करते हों। एक उत्तर प्रदेश के IG साहब थे, इंस्पेक्टर जनरल ऑफ पुलिस IK पांडा, वो पुलिस में रहते हुए सखी बाबा थे। तो जब वो जाते थे ऑफिस में तो लोगों को समझ में नहीं आता सल्यूट करें कि नहीं करें, क्योंकि वो कभी कभी यूनिफॉर्म में नहीं जाते थे, लहंगा चोली पहन के पहुंच जाते थे, है ना। और यूनिफॉर्म भी पहन के जाते थे तो बिंदी बिंदी लगा के तो जाते ही थे कम से कम, मतलब बेसिक श्रृंगार तो करके जाना ही पड़ेगा उनको, तो थे सखी बाबा वो, हाँ। तो उनका ये मानना है कि ईश्वर प्राप्ति के कई रास्ते हैं, उन्हीं रास्तों को हम लोग धार्मिक संप्रदाय या धर्म कह देते हैं, उन्हीं संप्रदाय को हम धार्मिक संप्रदाय। ईश्वर सूफियों को भी मिलते हैं, ईश्वर भक्ति वालों को भी मिलते हैं, ईश्वर कृष्ण को मानने वालों को भी मिलते हैं, ईश्वर शिव को मानने वालों को भी मिलते हैं, ईश्वर विष्णु को मानने वालों को भी मिलते हैं, ईश्वर शाक्त मानने वालों को भी मिलते हैं, सबको मिलते हैं। सूफियों में कोई एक संप्रदाय थोड़ी ना है, सूफियों में भी बहुत सारे संप्रदाय हैं। जैसे एक तो मैंने बताया आपको चिश्ती है, सत्तारी है, कादरी है, वहाँ पर उसको संप्रदाय नहीं कहते हैं, सिलसिला कहते हैं, फारसी भाषा में कहेंगे, अरबी भाषा में तो उसको सिलसिला कहते हैं। तो सूफियों ने भारतीय समाज पर बहुत अच्छा प्रहार किया, उसके हमको सकारात्मक चीज़ें ज़्यादा मिलती हैं, है ना। सूफी बन जाने का मतलब क्या होता है? जरूरी नहीं है सूफी बन जाए तो जंगल में भटकेंगे। सूफी का बहुत अच्छा सिद्धांत उन्होंने बनाया गया है, उसमें कहा गया है कि आपको तौबा करना पड़ेगा, तौबा जानते हैं पश्चाताप, तौबा करना पड़ेगा, बजा करना पड़ेगा, तवाकुल करना पड़ेगा, जुहद करना पड़ेगा, फख्र करना पड़ेगा, सब्र करना पड़ेगा, ठीक। ये सब करेंगे तो क्या बनेंगे? सूफी बनेंगे। फख्र का मतलब होता है निर्धनता, उसको कोई मतलब नहीं है किसी के पैसे वैसे से। जुहद का मतलब होता है प्रतिज्ञा करना, प्रतिज्ञा करनी पड़ेगी, ठीक। बजा का मतलब है उसको संयम करना पड़ेगा, तो उसमें, और सब्र का मतलब है संतोष करना पड़ेगा। तो सूफियों ने ऐसी बहुत सारी परंपराएं भारत में शुरू कर दी जो भारतीय समाज में घुल मिल गई, और उनमें कुछ ऐसी थी जो तार्किक रूप से सही थी, वे आज भी हमारे समाज में व्याप्त हैं। ये था कि 7वीं शताब्दी से लेकर के 11वीं शताब्दी तक भारत के सूफी और भक्ति आंदोलन। अगर हम भक्ति आंदोलन की बात करेंगे तो एक तो मैंने उनकी कहानी सुनाई दी आपको, भक्ति आंदोलन को अपन लोग बांट सकते हैं। कुछ ऐसे थे जो ईश्वर को मानते थे यानी निराकार, कुछ ऐसे थे जो ईश्वर को नहीं मानते थे वो निराकार, जो मानते थे वो साकार। कुछ ऐसे थे जो प्रेम को मानते थे, उन्हें ईश्वर से मतलब नहीं, प्रेम को और ज्ञान से मतलब है। कुछ ईश्वर को मानते हैं तो वो बट गए, राम को मानने वाले अलग और कृष्ण को मानने वाले अलग, ऐसे ही बट गए। जैसे राम मार्गी भक्ति धारा में कौन आएंगे? तुलसीदास। और कृष्ण मार्गी में कौन आएंगे? मीराबाई, सूरदास, ये कृष्ण मार्गी में आएंगे। प्रेम मार्गी में कौन आएंगे? मलिक मोहम्मद जायसी, जिन्होंने पद्मावत लिखा है,
है ना। और ज्ञान मार्गी में कौन आएंगे? कबीरदास। कबीरदास ज्ञान मार्गी शाखा के थे और कबीरदास जी का ज्ञान बिल्कुल प्योर था। वो कभी किसी वस्तु वस्तु में ऐसा विश्वास नहीं करते थे और वो कहते भी थे, जब उन्होंने ये वाली बात कही थी कि कांकर पाथर जोर के मस्जिद ली बनाए, ताचड़ मुल्ला बाग दे, क्या बहरा हुआ खुदा है? पत्थर की मस्जिद बना के उस पर चढ़ के मुल्ला चिल्लाता है, क्या तुम्हारा खुदा बहरा हो गया है? तो लोगों ने कबीरदास जी पर आरोप लगाया कि कबीरदास जी इस मुसलमानों का विरोध करते। तो उनको ज़्यादा समय नहीं लगा, अगले ही पक्ष में उन्होंने एक और प्रवचन दिया और वो कहने लगे, पाहन पूजे हर मिले तो मैं पूजूं पहाड़, तासे तो घर की चाकी भली जाका पीसा खाएं। बता पत्थर की मूर्ति पूजने से भगवान मिलता तो मैं पहाड़ पूजता, पहाड़ ज़्यादा बड़ा होता है, ठीक बात है कि नहीं? इसलिए तो अच्छा घर की चक्की को पूजो जिसका पीसा हुआ आटा तुम लोग खाते हो। तो फिर लोग कन्फ्यूज़ हो गए, ये हिंदुओं को भी बुराई कर रहे हैं। और ये कबीरदास जी के साथ आजीवन बना रहा। लोग कहते हैं कि मगर मरे सो गधा होए, मगर में जिसकी मृत्यु होगी वो गधा बनेगा अगले जन्म में, ये कहते हैं। और कबीरदास जी ने अपना अंतिम समय मगर में ही गुजारा था, मगर में ही गुजारा था। दिक्कत तो तब हुई जब उनकी डेथ हो गई, निर्वाण हो गया उनका। वहाँ दोनों संप्रदाय के लोग खड़े, एक कह रहा है कि नहीं हम इनको जलाएंगे, कह रहा नहीं दफनाएंगे। अब वो तो मर गए, उनकी डेड बॉडी ऐसा कहते हैं कि चादर से ढक दी गई और वो लोग आपस में लड़ते रहे। थोड़ी देर बाद गए तो वो गायब हो गई। हाँ गायब हो गई, वहाँ पर फूल रखे मिले, ये लिखा हुआ है। कैसे गायब हो गई? कोई ले गया होगा उसको, ऐसे गायब नहीं होती हवा में, तो कोई ले गया होगा। तो वहाँ पर फूल रखे हुए मिले तो लोगों ने फूल आधे आधे बांट लिए, आधे फूलों का अंतिम संस्कार, आधे जमीन में दफना दिए। तो कबीरदास जी का तो यही संदेश था। और लोग कहते हैं कि फिर उन्होंने उनके बारे में पता लगाया कि वो पैदा किस धर्म में हुए। तो वो ऐसे व्यक्ति थे जो किसी को नहीं पता कहाँ पैदा हुए। 13 वर्ष की उम्र में गंगा के किनारे मिले थे, ठीक जैसे दक्षिण भारत के एक प्रसिद्ध संत हैं जिनको शिरडी के साईं कहते हैं। शिरडी के साईं की डेथ बहुत पुरानी नहीं है, 1918 में हुई थी दशहरा के दिन। तो उनके बारे में भी लोग ढूंढते हैं कि वो कौन थे। उनको हिंदू भी पूछते हैं, मुसलमान भी पूछते हैं। लोग कहते हैं उन पर चादर चढ़ती है, मुसलमान है, उन पर प्रसाद चढ़ता है, वो हिंदू है। उन पर भी जब रिसर्च किया गया तो किसी को नहीं पता वो कहाँ से आए। शिरडी से थोड़ी दूर पर जब आप सिग्नापुर के लिए जाते हैं तो वहाँ पर एक गांव मिलता है, उस गांव में एक बारात आई थी। उस बारात में हिंदू भी आए थे, मुस्लिम भी आए थे, बराबर बराबर मात्रा में आए थे। उसी बारात में वो आए थे और वो बारात में वहीं छूट गए, गए नहीं। उसके बाद वो वहीं बस गए और वहीं उन्होंने अपना संतत्व गुजारा। तो उनके बारे में भी किसी को नहीं पता, 13 वर्ष की अवस्था में वो भी मिले थे, है ना। और कुछ महाराष्ट्र में लोकल लोगों से आप पूछेंगे बताते हैं कि वो तो बहुत क्रांतिकारियों के वो थे, क्रांतिकारियों का पुनर्जन्म हुआ था शिरडी के रूप में। अब जितने लोग उतनी बातें करते ही हैं, है ना। और मेरा ऐसा मानना है ईश्वर शक्तिशाली तब होता है जब आप उसमें विश्वास करेंगे, तब नहीं होता है। आप कहेंगे बड़ी मूर्ति की पूजा करेंगे तो ज़्यादा ताकतवर है, नहीं। आप कामाख्या जाएंगे तो ज़्यादा ताकतवर नहीं। आपके अंदर का विश्वास इतना बड़ा हो कि कामाख्या आपको यहीं प्रतीत हो जाए। आपका विश्वास इतना बड़ा होना चाहिए कि आप, ये केवल उनको मिलता है, ये शक्ति केवल साधुओं के पास होती है, साधुओं को मिलती है शक्ति। इसलिए साधु हमेशा अपने आप को ईश्वर से कहीं भी कनेक्ट कर लेते हैं, मंदिर वंदिर जाने की जरूरत नहीं पड़ती। हम लोग ऐसे रास्ते ढूंढते हैं, मंदिर वैष्णो देवी यहाँ वहाँ जाएंगे, या इस बार तो हम लोग वहाँ जाएंगे, अमरनाथ जाएंगे, कहीं भी मतलब जहाँ जाएंगे, क्योंकि हमको ये लगता है कि पैसा खर्च होगा, दूर जाएंगे तब जाके ईश्वर असली वाला मिलेगा, घर में बैठे बैठे थोड़ी मिलता है। टेक्नोलॉजी ने थोड़ा सा और ईश्वर के साथ गलत किया है। हम सुबह आते हैं तो एक मंदिर मिलता है, तो वहाँ एक पुजारी जी हैं, अक्सर उनसे मुलाकात हो जाती है। तो एक दिन उन्होंने कहा कि सर आप परेशान मत हुआ करिए, सर्दियों की बात है, आप तो बस अपना नंबर दे दो, हम आपको घर पर दर्शन करा देंगे। तो मैंने उनसे कहा, मैंने कहा आपकी उम्र बहुत ज़्यादा है, मैं कुछ कहूँगा तो अच्छा नहीं लगेगा। मैंने कहा पहली बात तो ये कि इंसान अभी इतना ताकतवर नहीं हुआ कि ईश्वर उससे मिलने जाए, ये आप समझिए। मैंने कहा आपने शायद पढ़ा कि नहीं पढ़ा मुझे नहीं पता, ठीक है। दूसरा कि उस भक्ति का क्या मतलब कि रजाई में लेटे लेटे दर्शन कर रहा है ना। इसका मतलब है कि आप तार्किक है ही नहीं, आप पता नहीं क्या क्या जानते हैं। खैर इसमें बहुत सारी बातें उनको अपन नहीं करते, अपन हिस्ट्री पे आते हैं। तो आप समझ पा रहे हैं इन चीज़ों को कि सूफियों ने हमको क्या दिया, क्लियर है। महबूब इलाही किसे कहते थे? हाँ महबूब इलाही, इनको निजामुद्दीन को। निजामुद्दीन का सेंटर कहाँ था? नई दिल्ली। और मोइनुद्दीन का कहाँ था? अजमेर, जहाँ उनकी दरगाह बनी है। एक थे बुरहानुद्दीन जकारिया, उनकी दरगाह बनी है बुरहानपुर में, उन्हीं के नाम से बुरहानपुर बसा हुआ है अपना। एक थे जिनका नाम था शेख ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी, शेख ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी, ये भी बहुत बड़े सूफी संत थे। इन्हीं के नाम से कुतुब मीनार बनवाई गई है। कुतुब मीनार देखिए, देखिए किस किस ने देखी, हाथ ऊपर करो,
देखिए ना, इन्होंने देखिए क्या क्या उपयोग है उसका, क्यों बनाई गई थी। नहीं, जैसे वहाँ देखने गए होगे तो तुमने आप पूछा भी नहीं किसी से, क्यों नहीं पूछा। किसके लिए? मीनार टाइप से। अच्छा, कुतुब मीनार को बनवाया किसने था? कुतुबुद्दीन ऐबक ने बनवाया था। और ये कुतुबुद्दीन ऐबक मोहम्मद गौरी का एक गुलाम था, है ना, उसने इसको बनवाया था। और उसका उद्देश्य बनवाने का था कि जब भी इस्लाम में नमाज होती है तो नमाज से पहले अजान होती है। अजान का मतलब होता है कॉल फॉर नमाज, नमाज के लिए। जब आजकल तो स्पीकर होते हैं, उसमें तो स्पीकर होते नहीं थे, तो उस पर खड़े होकर के चिल्लाने के लिए बनाई गई थी, अजान के लिए, है ना। और जब उसने बनवाई तो पूरी तो नहीं बनवा पाया, उसकी डेथ हो गई थी 1210 में, डेथ हो गई। 1206 में तो आया ही था वो, उसकी डेथ हो गई। 4 साल बाद उसकी डेथ हो गई, तो उसको पूरा करवाया था इल्तुतमिश ने, है ना, जो उसका दामाद भी लगता था, उसने उसको पूरा करवाया इल्तुतमिश को, इल्तुतमिश ने कुतुब मीनार को। लेकिन फिर भी उसमें बहुत सारे चेंजेस करवाने के लिए किसने करवाए, फिरोज शाह तुगलक ने। फिरोज शाह तुगलक ने भी उसमें चेंज कराए। और एक आखिरी मंजिल का निर्माण किसने करवाया, आखिरी मंजिल का निर्माण उसका किसने करवाया, सिकंदर लोदी ने। तो चार वंश के लोगों ने कुतुब मीनार में काम किया है। कुतुब मीनार, हाँ वही नेक्स्ट क्वेश्चन मेरा यही है कि कुतुब मीनार की हाइट कितनी है बताओ। मैं आपको ऑप्शन देता हूँ, कुतुब मीनार और चार मीनार, एफिल टावर और ताजमहल, इनको क्रम से लगाइए, नीचे से कम से अधिक ऊंचाई की ओर लगाइए। एफिल टावर, एफिल टावर उस, और क्या था मैंने बोला था, चार मीनार, ताजमहल और कुतुब मीनार। सबसे ऊंचा कौन सा होगा इनमें, कितना ऊंचा है? हाँ, कितना ऊंचा है, 306 मीटर का है। उसके बाद ताजमहल कितना ऊंचा है, ताजमहल 82.5 मीटर का है, 82.5 मीटर का है। चार मीनार 54 मीटर का है। और बची कुतुब मीनार, 72.5, 72.5, राइट, 72.5 का है। तो क्रम क्या बेटा, अंदर जंगे नहीं, अंदर थोड़े ना, ऊपर ही है, 72 मीटर। तो कितने फीट होगा, 5 मंजिला बनवाया गया, 5वीं उसने बनवाई थी। बीच में जब उड़ गई थी तो मरम्मत फिरोज शाह तुगलक ने उसकी कराई थी। हाँ, इसका उपयोग होता था अजान के लिए। अगर हम देखेंगे तो इसके अंदर जाना बंद कर दिया। इसमें एक स्टैम्प पैड हुआ था 1986 में, स्कूल के बच्चे गए थे तो भगदड़ मच गई थी, अंधेरा था, उसमें लाइट नहीं थी, उसमें तो बहुत सारे बच्चों की जान चली गई थी। और दूसरा कि बिल्डिंग अब इतनी पुरानी हो चुकी है कि उसमें अंदर पर्यटकों को घुसाना खतरे से खाली नहीं है, है ना, पता लगा गए और वहाँ समाधि बन गई उनकी, ऐसा भी नहीं है। तो अब इसलिए बंद कर दिया कि बचा हुआ है तो उसको देखते रहते हैं लोग। कुतुब मीनार दिल्ली में है। कुतुब मीनार का जो कंपाउंड है, उसका जो परिसर है, उस परिसर में अलाई दरवाज़ा भी है, उसमें अलाउद्दीन खां की समाधि भी है, उसमें इल्तुतमिश की समाधि भी है। एक बेकार सी समाधि बनी है, किसी ने देखा हो तो, कुतुब मीनार के पीछे वाले कॉम्प्लेक्स में एक बेकार सी समाधि है, वहाँ कुत्ते उत्ते घूमते रहते हैं, वो बहुत टीला सा बना है मिट्टी का, वही है इल्तुतमिश की समाधि। मतलब वो ज़्यादा प्रोटेक्टेड नहीं है अपने यहाँ पर, क्योंकि वो पूरा ही इतना पुराना स्ट्रक्चर हो गया, उसमें ज़्यादा कुछ है नहीं अब बचा हुआ रखने के लिए। लेकिन हाँ, इससे ये प्रमाण जरूर मिला है कि जब कुतुब मीनार बनवाना शुरू हुआ भारत में, तो उस समय भारत में मंदिर परंपरा चलती थी, इस्लाम से पहले तो मंदिर परंपरा चलती थी। तो जब कोई धर्म दूसरे धर्म पर अधिकार करता है तो निश्चित ही एक धर्म के प्रतीकों को नष्ट करके अपने धर्म के प्रतीक बनाता है, ये प्रकृति का नियम है। इसलिए उस समय भारत में बहुत सारे धार्मिक स्थलों को तोड़ करके हिंदू स्थलों का निर्माण करवाया। अगर आप कुतुब कॉम्प्लेक्स देखेंगे पूरा का पूरा, तो वहाँ बहुत सारे ऐसे गणेश इत्यादि की टूटी हुई मूर्तियाँ आपको दिख जाएंगी। ये मूर्तियाँ उस समय की हैं कि जब कुतुब मीनार बनवाएगी उसी समय की हैं, यानी वहाँ पहले से हिंदू स्ट्रक्चर को डिस्ट्रॉय करके कुतुब मीनार बनवाई गई थी, इसके प्रमाण है। और ऐसे सबसे ज़्यादा ऐसी घटनाएँ घटी थी औरंगजेब के टाइम पर, जहाँ बड़ी संख्या में हिंदू संरचनाओं को नष्ट करके मुस्लिम संरचनाएँ बनवाई गई थी।
उसके एग्जांपल जैसे ज्ञानवापी में जांच चल रही है, मथुरा में भी जांच चल रही है, और बाबरी मस्जिद का मामला निबट गया है, तो ऐसे बहुत सारे वो स्थल थे और भी बहुत सारे स्थल थे जहाँ ये सब हुआ। ये प्रकृति का सिद्धांत है, कोई भी आक्रमण करता है तो अपनी चीज़ें लगाता है। आप भी जब किसी से गाड़ी खरीदते हैं सेकेंड हैंड तो उस पर लिखा रहता है सोनू की गड्डी, तो आप उसको हटा देते हैं, आप बबलू की गड्डी लिख देते हैं क्योंकि आपके बच्चे का नाम बबलू है। करते ही हैं हर व्यक्ति, जिस पर जिसका अधिकार होता है वो उसको ही लिखेगा। तो ऐसे ही उन्होंने इसको किया है, अब हम फिर से उसको वापस करने पर लगे हुए हैं। तो ये सूफियों का देन था। क्या आपको सूफी थोड़ा थोड़ा समझ में आया? लेकिन इससे काम चलेगा नहीं। सूफी और भक्ति एक बड़े आंदोलन है। अगर मैं भक्तियों की बात करूँगा तो भक्तियों में सबसे प्रसिद्ध संत कौन थे? कबीर, जिसके मैंने बताया कि उनकी जन्म मृत्यु के बारे में किसी को रात नहीं है, जन्म के बारे में खास करके। कबीर दास जी ने दुनिया को एक अच्छा मैसेज दिया कि आप ईश्वर में विश्वास करें पूर्ण रूप से, चाहे वो निराकार हो आकार हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। आप जो कहें कि ईश्वर है तो है, उसकी मूर्ति नहीं है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, ऐसा वो भी कहते। कबीर दास जी एक यंत्र बजाते थे, उसको तानपुरा कहते थे। तानपुरा, कबीर दास जी एक झोंपड़ी में रहते थे, निर्गुण भक्ति धारा के थे, झोंपड़ी में रहते थे। झोंपड़ी के ठीक बगल में एक वो था गणिका का वैश्यालय, जहाँ पर गणिका आप समझते हैं प्राचीन काल से, तो वैश्यालय था, ब्रोथल था वहाँ पर। तो वहाँ पर बहुत सारे लोगों का आना जाना था, उसमें भी संगीत खूब बजता था, उसमें भी बहुत सारा संगीत बजता था, उसमें डांस वांस होता था। कबीर दास जी रात को बजाते थे, रात को कोई नहीं बजाता तो सबको डिस्टर्ब होता था। तो बगल में जो काम करते थे महिलाएं वगैरह पुरुष वगैरह, उनको बड़ा डिस्टर्ब होता था। तो उन्होंने एक दिन अपने लोगों से कहा कि ये बुड्ढा बहुत डिस्टर्ब करता है। तो उन्होंने जाकर के घास फूस की कुटिया दी किसी ने, उसमें आग लगा दी कि भाग जाएगा इसमें निकल के। लेकिन ऐसी आंधी चली कि झोंपड़ी आग तो बुझ गई, कोठे में लग गई। तो कोठे वाले डर गए कि ये तो बहुत चमत्कारी बाबा है, उसके पास आए पाँव में। बेचारा उसने कहा क्या हुआ? कि बाबा आपने तो कमाल कर दिया। कि क्या कमाल, बताओ तो पहले कि आपने हमारी, उसने बताई पूरी कहानी कैसे ऐसे हमने आग लगाने के लिए कुछ लोगों को भेजा, वो आगे आगे बुझ गई, वहाँ की लग गई। उन्होंने इतनी सुंदर बात कही कबीर दास जी ने, वो जीवन का सार है। उन्होंने उस लोगों से कहा कि देख ये तू मेरे बगल में बैठ, उस महिला से कहते तू मेरे बगल में बैठ और तपस्या कर, ये तेरी मेरी लड़ाई है ही नहीं, तेरे यार ने लगाई मेरे यार ने बुझाई, लेकिन दोनों के यार में अंतर है। तेरे यार ने लगाई मेरे यार ने बुझाई, तो अपने यारों की लड़ाई है, तू भी मस्त रहे मैं भी मस्त हूँ, है ना। तो मुझे कहते हैं कि जैसा अपन देखते हैं वैसा ही हमको प्रतीत होता है, ये उनका सबसे बड़ा संदेश था। उन्होंने जो 600-700 साल पहले कहा है वो लोग आज समझ पा रहे हैं, बहुत पहले कह के चले गए वो सारी चीज़ें। और आज दुनिया के सारे दृष्टांत, सारे साधक, जितने भी पुजारी हैं, वे सब इसी पे बात करते हैं, लेकिन सिद्धांत वही हैं जो पहले से चले आ रहे हैं। और हम में से हर व्यक्ति साधु है। आप में से किसको नहीं पता कि ईमानदारी सबसे अच्छी नीति है? आप में से किसको नहीं पता है कि हत्या करना पाप है? सबको पता है। हम फिर भी एक गुरु की तलाश में घूमते हैं कि गुरु मिल जाए तो हमारा उद्धार हो जाए, है ना। अपदीपो भवा, ज्ञान के मामले में हम लोग अपदीपो भव हैं, यानी आप स्वयं भी स्वयं के गुरु बन सकते हैं, है ना। और हम लोग इतनी सारी व्यवस्थाओं में ढूंढे रहते हैं, कब? जब रोज हमारे देश में 2-4 साधु पकड़े जाते हैं, पकड़ गया तो हम अगला ढूंढ लेते हैं, नहीं ये वाला सही है, जब वो पकड़ा जाएगा तो हम तीसरा पकड़ लेंगे, ये वाला बिल्कुल सही है। कुल मिला के ये साधु परंपरा है। और जितना मैं धर्म को जानता हूँ, ईश्वर और भक्त के बीच में कोई नहीं होता है। मेरे को पूजा करना अच्छा लगता है, लेकिन किसी माध्यम के द्वारा नहीं। जैसे मैं कहीं भी पूजा करने जाऊँगा, अब जैसे मान लीजिएगा शिरडी गए, शिरडी में उसने कहा कि सर आपको पूजा करनी है, हाँ पूजा करनी है, तो आपकी थाली लगा दूँ कितने की? 1500, 2000, 5000, 6000, 10000। लेकिन नहीं, हमको थाली वाली कोई भी की, 1 रुपये की भी नहीं लगवानी थाली, हम बाबा से मिलने आए, बाबा से मिलकर चले जाएंगे बात करके। पर बात करके, हाँ हम लोग बात कर लेंगे, और क्या करेंगे, तुम लोग भी तो बात ही करते होगे। जैसे वहाँ जो पुजारी अपन जैसे वो थाली दी, तो बाबा जो भी हमारे देवता हैं, आराध्य हैं, वो उन्हीं की क्यों सुनेगा, हमारी क्यों नहीं सुनेगा, हमारी सुनेगा ना। तो क्यों नहीं समझेगा वो? मीडिएटर का कोई कॉन्सेप्ट ही नहीं है, याद रखिएगा। और हम कि बाबा हमारा पूजा कर दो, हमारी थाली चढ़ा दो, ईश्वर का ये कॉन्सेप्ट ही नहीं है, इंसानों का कॉन्सेप्ट है, ईश्वर ने नहीं बनाया ये। ऐसे आजकल आपको ऐसे बहुत सारे जगहों पर मिल जाते हैं कि वो दरबार भी लगाते हैं, बहुत सारे काम करते हैं बाबा लोग, वो उनकी वो जाने क्या करते हैं क्या नहीं करते हैं। लेकिन मेरा धर्म का मतलब यही है कि आप स्वयं जाके ईश्वर से साक्षात करिए, अपनी समस्या बताइए, अगर आपको उनमें विश्वास है तो, किसी के कहने से मत जाइए, वरना आपको ईश्वर में कोई विश्वास नहीं होगा। लोग क्या सोचते हैं
तुमने कहा तो हम चले जाके देख आते हैं, ये कोई मतलब ही नहीं हुआ जाने का। किसी ने कहा आप इन बाबा के पास चले जाइए, इस ईश्वर के पास चले जाइए, इस मंदिर पे चले जाइए, तुम्हारा काम होगा। इसका मतलब काम होगा ही नहीं, आप दूसरे कहने से जा रहे हैं, आपको विश्वास ही नहीं है, आप केवल औपचारिकता पूरी करने जा रहे हैं, है ना। तो भारत में भक्ति आंदोलन ने धर्म को एक नई दिशा दी। एक तो हमारे यहाँ क्या आ गया, बहुदेववाद आ गया, उसके बाद अनेक विचारधाराएं आ गईं, धर्म में व्याख्याएं आ गईं, धर्म में लोग व्याख्याएं करने लगे, और वे व्याख्याएं आज भी हमारे धर्म में चलती हैं। सूफियों ने ये सब दिया, सूफियों ने नृत्य दिया, हमारे धर्म में भी नृत्य आ गया। मीराबाई नृत्य करती थी, सूरदास जी नृत्य करते थे, बहुत सारे ऐसे थे जिन्होंने सूफियों से बहुत कुछ सीखा, और सूफियों ने भारतीयों से बहुत कुछ सीखा। सूफियों ने भारतीयों से ध्यान करना सीखा, सूफियों के केंद्र में ध्यान नहीं था पहले, उन्होंने ध्यान करना सीखा भारतीयों से। उन्होंने भारतीयों से देखा कि विचारधाराएं कई प्रकार की हो सकती हैं। तो भारत में सूफी आंदोलन और भक्ति आंदोलन के बीच का जो टकराव है, ये बड़ा जटिल टकराव है, और इस टकराव ने हमारे देश को एक नई दिशा दी है, और इसी नई दिशा से हमको मध्यकालीन भारत में नई नई चीज़ें देखने को मिली। अब सूफी आंदोलन जैसे ही समाप्त हुआ तो भारत में इस्लाम का उदय हुआ, इस्लाम का शासन शुरू हुआ। इस्लाम के शासन के दौरान भारत में अनेक राज्यों का उदय हुआ। सबसे पहला इस्लामिक शासन बना कहाँ पर आकर के, दिल्ली के आसपास। किसने बनाया भारत में पहला इस्लामिक राज्य, कौन सा था? आक्रमण नहीं पूछा मैंने, राज्य पूछा है, दिल्ली था। किसने बनाया? कुतुबुद्दीन ऐबक ने बनाया। कब तक चला वो नहीं पता, ठीक है, हाँ बोलो बोलो। इस्लाम बेटा एक धार्मिक विचारधारा है जो राजनीतिक मुद्दों को भी अपने साथ लेके चलती है। सूफी इस्लाम के उदार पंथ को कहते हैं, सूफी इस्लाम के उदार पंथ को कहते हैं। जैसे कबीर और हिंदू धर्म में क्या अंतर है, कबीर हिंदू संप्रदाय के उदारवादी हैं, है ना, वो हिंदू संप्रदाय के उदारवादी हैं। ऐसे ही मुस्लिम संप्रदाय के उदारवादी सूफी होते हैं, जो लिबरलिज्म में विश्वास करते हैं, कट्टर नहीं होते, है ना, ये उनमें अंतर होता है। प्राचीन भारत की अपन मोस्ट ऑफ द चीज़ें डिस्कस कर चुके हैं, है ना। प्राचीन भारत में जो चीज़ें मैंने डिस्कस की हैं, मैं उम्मीद करता हूँ उसमें से आपको एक स्टोरी समझ में आई होगी, जिसका जो मेरा उद्देश्य था कि आपको ये बताना था कि हम आपको क्या क्या पढ़ाने वाले हैं, और आप लोग उस ओवरव्यू को समझ भी पाए होंगे। ठीक, एक चीज़ जो प्राचीन भारत में और अपन को समझनी है, उसको कहते हैं हम लोग प्राचीन भारत का कला और स्थापत्य, या कला और संस्कृति। मैंने पिछले 4-5 वर्षों से जो ऑब्जर्व किया है हर स्टेट के एग्ज़ाम में, कि इतिहास वो चीज़ है जो कभी बदलती नहीं है, सब याद करके बैठे हैं। सब ने याद कर लिया है कि भारत का नेपोलियन कौन है, आए परीक्षा में तुरंत लगा देंगे, सब याद करके बैठे हैं। आप समझिए कि परीक्षक आपसे ऐसे प्रश्न नहीं पूछेगा आप जो सबको याद है, वो प्रश्न पूछता है कैसे अजर्शन वाले, कथन कारण वाले पूछता है प्रश्न, और इनके अलावा उन चीज़ों को उसने कठिन कर जोड़ दिया है, कठिन करके जोड़ करके कठिन कर दिया है, जैसे उसने कला संस्कृति को जोड़ दिया है, है ना। तो प्राचीन भारत की कला संस्कृति को हम लोग एक या दो दिन में पूरे को समझ लेंगे, ठीक, उसमें ज़्यादा लिखने की जरूरत पड़ेगी भी नहीं, ये तो सब मैं आपको लिखाई दूंगा बाद में पूरा का पूरा, ठीक है। तो आप लोग प्राचीन भारत का थोड़ा सा वो समझ पाए, ओवरव्यू समझ पाए, कहाँ कहाँ कब कब क्या हुआ। हाँ, बस थोड़ा सा लिखने की ज़रूरत है, क्योंकि आप लोग भूल जाएंगे सब कुछ।